हेलो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल आई एम गोइंग टू डिस्कस कंप्यूटर नेटवर्किंग एमसीक्यूज। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड। जब हम कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर होते हैं और कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, एक मीडियम को यूज़ करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन ए है प्रोसेसिंग, नंबर बी है नेटवर्क, नंबर सी है चैटिंग एंड सेंट्रल, ऑप्शन डी है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। तो हमारे पास कंप्यूटर का एक कनेक्शन जो आपस में लिंक होते हैं, तो इसको हम नेटवर्क कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। द टेक्नोलॉजी ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज़ नोन एज। जब हमारे पास जो हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है मास कम्युनिकेशन, टेलीफोनी, टेलीकम्युनिकेशन या नॉन ऑफ दीज। तो हमारे पास यहाँ पे जो है हम टेलीकम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कौन सी जो है बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? हमारे पास रिड्यूस हार्डवेयर, कैन कनेक्ट पीपल, एनेबल शेयर्ड एप्लीकेशन, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है ये है कि हमारे पास ये भी बेनिफिट्स है कंप्यूटर नेटवर्किंग के, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के, रिड्यूस हार्डवेयर, दूसरी जो है कनेक्ट पीपल, ये भी पीपल को कनेक्ट भी करता है, इनेबल शेयर्ड एप्लीकेशन, नेटवर्क के थ्रू आप जो है शेयर्ड एप्लीकेशन को भी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोग्राम, ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे लिए प्रोड्यूस नहीं करता है। ईच कंप्यूटर ऑन नेटवर्क इज कॉल्ड। ईच कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर नेटवर्क पे कनेक्ट होते हैं, तो हर एक कंप्यूटर को नेटवर्क पे, तो इसको जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या कहते हैं? आपके डिवाइस को कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या कहते हैं? बस, टर्मिनेटर, नोड या नॉन। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, तो इसको जो आपके जो कंप्यूटर होते हैं इसको नोड कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। मैनी कंप्यूटर इंक्लूड ए सेंट्रल कंप्यूटर दैट मे बी कॉल्ड। सेंट्रल कंप्यूटर होते हैं किसमें? सेंट्रल कंप्यूटर होते हैं, मैनी कंप्यूटर जो है एक सेंट्रल कंप्यूटर रखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? सर्वर, ब्रज, गेटवे या क्लाइंट। तो हमारे गेटवे डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, ब्रज जो है हमारे पास सिमिलर डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, और क्लाइंट जो है क्लाइंट जब कोई सर्विस एक्सेस करता है तो इसको क्लाइंट कहते हैं। तो हमारे पास जो सर्वर है ये राइट ऑप्शन है, ठीक है। मैनी कंप्यूटर इंक्लूड ए सेंट्रल कंप्यूटर, मैनी कंप्यूटर जब एक नेटवर्क में होते हुए ये सेंट्रल कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। ए डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर लाइंग इन द सेम ऑफिस और बिल्डिंग इज कॉल्ड। ए डिवाइस जो हम यूज करते हैं जो टू कनेक्ट, जो हमारे लिए कनेक्ट करते हैं टू कंप्यूटर जो एक ऑफिस में या बिल्डिंग में होते हैं, इसको क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन है इथरनेट, ग्राफिक कार्ड, मोडेम या साउंड कार्ड। तो हमारे पास जब आप एक क्या करते हैं, आप एक बिल्डिंग में होते हैं, तो आपकी आपके लिए जो जो इस डिवाइस को सर्विस देते हैं, तो हमारे लिए साउंड कार्ड भी नहीं है, ग्राफिक कार्ड भी नहीं है, ठीक है। साउंड कार्ड जो है साउंड के लिए यूज़ करते हैं, ग्राफिक कार्ड जो है हमारे लिए क्या, ग्राफिक के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन सी और ए जो है रह गया एथरनेट और मोडेम। तो मोडेम हम यूज़ करते हैं, तो मोडेम भी आपको एक एक्सेस देता है, ठीक है। इस तरह इथरनेट जो है भी आपको एक्सेस देता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है, आप जो है एक बिल्डिंग में आप जो है मोडेम यूज़ करते हैं, तो
यह इथरनेट जो है आपको बहुत डिस्टेंस पे आपको एक्सेस देता है, लेकिन मोडेम जो है आपको एक बिल्डिंग के अंदर जो है आपको आपको एक्सेस देता है। बहुत से डिवाइसेस इसके साथ कनेक्ट होते हैं, वाईफाई ठीक है, तो आपको एक्सेस देता है और आपको क्या करता है, आप इसके साथ लान स्टैंड फॉर, लान जो है स्टैंड करता है किस किस के लिए, ए ब्रिवेशन है किसके, ठीक है। तो हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लेंथ एरिया नेटवर्क। तो हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क और ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे भी लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए और सी है ये दोनों करेक्ट है, क्योंकि लॉन जो है स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियो एंड अपडेट सब्सक्राइब माई चैनल।